हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं सोर्स कीबोर्ड फॉर पासवर्ड के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे तो आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कीबोर्ड इनपुट पर जाएंगे और आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सोर्स कीबोर्ड फॉर पासवर्ड, तो इसे आप राइट साइड से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऑफेंस अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है, सबसे पहले आप इसे ऑफ़ कर देंगे, उस तरीके के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए सोर्स कीबोर्ड फॉर पासवर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स और भी सेटिंग है, जैसे कि जीबोर्ड है, जीबोर्ड में आप जाएंगे तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और थीम चेंज कर सकते हैं, थीम को चेंज करना चाहते हैं थीम को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो है थीम देखने के लिए मिल जाती है, कीबोर्ड की थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट कॉन्टैक्ट, तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन सारी सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।